हेलो दोस्तों, मैं हूँ रवि वर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल रवि। दोस्तों, यदि आप रेलवे एम्प्लॉय हैं और आप HRMS यूज करते हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप HRMS के अंदर कैसे आपको जो रिवार्ड मिले हैं या जो अवार्ड मिले हैं उनको आप कैसे अपडेट कर सकते हो या आप उनको कैसे ऐड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको उसको लॉगिन प्रक्रिया बता देता हूँ। बहुत से एम्प्लॉय को इसके बारे में बताया, जिसको नहीं पता है उसको फिर मैं बता देता हूँ। आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, उसमें आपको सर्च करना है HRMS इंडियन रेलवे। तो उसमें जो पहला जो ऑप्शन आएगा, जिसमें वेबसाइट लिखी होगी HRMS.indianrail.gov.in, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो इसको दोस्तों आप क्या करना है, आपको देखिए आपको राइट साइड में देखिए आपको एक एरो का निशान दिख रहा होगा टॉप में, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर हम नीचे चलेंगे, आप एक ऑप्शन दिख रहा होगा डेस्कटॉप साइड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जब हम अवार्ड और रिवार्ड को ऐड करेंगे तो उसमें क्या है, बहुत से उसमें कॉलम है, तो आपको अच्छी तरह कॉलम दिख पाएंगे आप उसमें क्या लिख रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको डेस्कटॉप साइड पर कर दिया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ यूजर नेम अपने HRMS ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना। चलिए दोस्तों, फटाफट मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, यदि देखो आपको HRMS के बारे में आगे भी अपडेट चाहिए, जो भी नया नया अपडेट आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये चैनल स्पेशल रेलवे एम्प्लॉय की हेल्प के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यदि आप चाहते हो कि मुझे आगे HRMS से संबंधित सभी अपडेट्स मिलते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो आपको देखिए क्या क्या करना है, लेफ्ट साइड में टॉप में आपको एक तीर का निशान दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन दिख रहा होगा IR HRMS EWS, उस पर आपको क्लिक करना है। और इसमें देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू ओब्लिक एडिट माई डिटेल, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको देखिए एक प्लीज सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ देखिए दोस्तों आपको नीचे चलना है। दोस्तों एक बात बताता हूँ, यहाँ पे आपको 10 से 12 मॉड्यूल मिलेंगे। आपको हर मॉड्यूल की जानकारी चाहिए, आप कैसे क्या फैमिली डिक्लेरेशन ऐड कर सकते हो, सॉरी फैमिली मेंबर ऐड कर सकते हो, या अपने बेसिक इन्फो कैसे चेंज करनी है, कैसे आपको कौन भी कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज करना है। तो मैंने सब इसके ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप चैनल पर जाके HRMS नाम की प्ले लिस्ट में सब आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो अभी आपको याद है कि नीचे जाना है और आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ESR अवार्ड्स का, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको गो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गो के ऑप्शन पे क्लिक के बाद में दोस्तों आपको नीचे चलना है। यहाँ पर देखिए मेरे यहाँ एक भी अवार्ड या रिवार्ड की एंट्री नहीं है, और वैसे मेरे को 5 से 6 अवार्ड मिल चुके हैं 2019 और 20 में। तो यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, रेज चेंज रिक्वेस्ट, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ देखिए ऊपर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रीजन का, जहाँ पे ब्लैंक है देखिए रीजन फॉर एडिटिंग। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ रीजन डालना है। ठीक है, रीजन जैसे क्या डालना है, मान लो आपकी ऑलरेडी पहले एंट्री है, उसमें आप बोला भाई उसमें कुछ गलती है, तो आप वो भी इंग्लिश में यहाँ लिख के डाल सकते हो। ठीक है, और या मेरे को देखिए अभी मेरा एक भी इसमें रिवार्ड एंट्री नहीं है, तो मैं अपने यहाँ रिवार्ड एंट्री करूँगा, तो या मैं क्या डाल दूंगा, या मैं डाल दूंगा Added Award/Reward। ठीक है, तो ऐसे आप अपना जो भी जनरल रीजन वो आपको डालना है। और अभी देखिए यहाँ आपको डाल के नीचे चलना है। तो इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन आ रहा है प्लीज सेलेक्ट, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए इसमें ऑप्शन दिख रहा है एडिट डिलीट न्यू, मतलब आपको अवार्ड या रिवार्ड आपको नए ऐड करने हैं, तो आप न्यू पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, और यदि आपको यहाँ कोई रिवार्ड है उसको आपको एडिट करना है, तो आपको एडिट पे, अब यहाँ पे मेरा एक भी रिवार्ड या अवार्ड की एंट्री नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, प्लीज सेलेक्ट सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें सीरियल नंबर इधर आ चुका है और अवार्ड नेम, तो हम इस पर प्लीज सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको किसने अवार्ड दिया है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो मान लो मेरे को दिया है, यहाँ पे मेरे को देखो रेलवे बोर्ड ने नहीं दिया, जीएम अवार्ड भी नहीं दिया, PHOD अवार्ड है, फिर DRM अवार्ड है, फिर मिसलिनियस अवार्ड। तो मेरे को दिया है दोस्तों PHOD अवार्ड, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। और यहाँ देखिए अवार्ड लेवल, इस पर आपको क्लिक, आप किस टाइप का आपको अवार्ड मिला है, नेशनल लेवल का मिला है या इंटरनेशनल लेवल का मिला है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है करना। ठीक है, तो मेरे को नेशनल लेवल का मिला, तो मैं नेशनल पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, फिर आगे देखिए अवार्ड डेट, मतलब आपको कौन से डेट को अवार्ड मिला था, तो वो आपको डेट डाल देनी है। तो देखिए दोस्तों मान लो मेरे को अवार्ड मिला था 17/4/19 को, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कैलेंडर पे दोस्तों सेलेक्ट करना आपको देखिए। ठीक है, तो मेरे को 17/4/19 को मिला था, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ 19।
तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 17/4/19 है उस अवार्ड डेट सेलेक्ट कर ली। फिर देखिए कैश अमाउंट आपको, यदि देखो दो टाइप के अवार्ड होते हैं, एक होता है कैश रिवार्ड होता है, एक होता है अप्रिसिएशन या कोमोडेशन। तो मेरे को दोस्तों ये अप्रिसिएशन मिला है तो इसमें कैश अवार्ड तो है नहीं, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए अवार्ड अथॉरिटी, आपने आपको किसने अवार्ड दिया, किस अथॉरिटी ने आपको रिवार्ड दिया है। तो आपको DRM ने दिया तो आपको DRM डाल दोगे, आपको ब्रांच ऑफिसर है तो मान लो सीनियर DE है तो सीनियर DE डाल दोगे, सीनियर DCM ने दिया तो सीनियर DCM डाल दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं यहाँ डाल दूंगा सीनियर DSC, ठीक है। फिर आगे देखिए इसमें अवार्ड डॉक्यूमेंट, तो दोस्तों आपको एक बात यह ध्यान रखनी है कि अवार्ड डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, जो भी आपको अवार्ड मिला है तो उसका आपको उस डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ PDF फाइल अपलोड करनी है, और आप मैक्सिमम साइज उसका 2 MB होगा और वो PDF फाइल होगी, ठीक है ना। PDF फाइल सपोर्ट करता है। और अगला जो ऑप्शन है वो देखिए सपोर्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट, तो आपको क्या करना दोस्तों, ये भी इन्होंने मैंडेटरी कर रखा है, तो आप जो अवार्ड डॉक्यूमेंट भी जहाँ जो भी वहाँ अपलोड करो वही आपको करना है, वही सेम आप इसमें सपोर्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट में कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट होती है तो उसको आप अपलोड कर दोगे। मान लें आपको कैश रिवार्ड मिला है तो कैश रिवार्ड में जो मेमोरेंडम निकलता है उस मेमोरेंडम को जो डॉक्यूमेंट है उसको आप PDF उसकी बना के उसको भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों टाइप के अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी कर सकते हो और आप कैश अवार्ड का जो मेमोरेंडम निकलता है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने दोस्तों ऑलरेडी इन्हें PDF बना रखी है, तो मैं अपने चूज फाइल पर क्लिक करके उसको फाइल को चूज कर लेता हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लास्ट तक देखोगे तभी आप अच्छी तरह इसको समझ पाओगे, आप अपने अवार्ड और रिवार्ड यहाँ पे आप अपलोड कर पाओगे। तो यहाँ देखिए मैंने अपनी दोनों फाइलें चूज कर ली हैं, देखिए अवार्ड डॉक्यूमेंट में भी चूज कर लिया है और सपोर्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट में भी चूज कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो अपलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है उसको उस पर आपको क्लिक कर देना है, देखिए नीचे परसेंटेज चालू हो जाएगी और सपोर्ट प्रूफ डॉक्यूमेंट में भी अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे फाइल यहाँ अपलोड हो जाएगी तो यहाँ दिखा देगा अपलोड सक्सेसफुली। तब तक यहाँ देखिए दोस्तों आगे जो है डिस्क्रिप्शन, उसमें आपको डालना भाई आपको ये रिवार्ड या अवार्ड आपको क्यों दिया गया, ठीक है। तो यहाँ हम देखिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि गुड वर्क, हमने अच्छा काम किया था तो इसलिए मुझे ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है, मैंने गुड वर्क डाल दिया है। यहाँ देखिए हमारा डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, ठीक है। ये तो दोस्तों मैंने एक अपना जो है वो इस यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है, एक मैंने अपने अपलोड कर दिया है। अब मान लो कि मेरे को दोस्तों, मैंने बताया मैंने पहले भी 5 से 6 मेरे को इसमें अवार्ड रिवार्ड मिले हुए, तो मेरे को सभी ऐड करने हैं। तो यहाँ देखिए राइट साइड में आपको एक दिख रहा होगा प्लस का साइन, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ देखिए आपके सामने नीचे एक दूसरी रो आ गई है, ठीक है। ऐसे देखिए आप फिर मान लो आपने 2 कर दिए सबमिट, ठीक है, तो मान लो फिर आपको और भी यहाँ पे सबमिट करने हैं, आपको अपलोड करने हैं, तो फिर आप ऊपर देखिए प्लस का जो साइन है उसे भी आप फिर क्लिक कर दोगे ऐसे, ठीक है, ये आ गया। फिर और मान लो और भी आपके रिवार्ड में, तो फिर आप प्लस के साइन पर क्लिक कर दोगे, तो यहाँ देखिए नीचे ऑटोमेटिक ये रो यहाँ पे ऐड होती रहेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दिया है। तो ऐसे ही दोस्तों मैं फटाफट मेरे जो भी मेरे को 5 रिवार्ड मिले हैं वो 5 रिवार्ड की मैं इंट्री कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए अभी तक दूसरी जो रो आ गई, तो यहाँ देखो न्यू का ऑप्शन है ऑलरेडी, ये न्यू रहेगा यार। फिर यहाँ जो मैंने पहले ऊपर जो बताया थे, देखिए इसमें अवार्ड नेम में भाई आपको किस टाइप का अवार्ड, मान लीजिए रेलवे बोर्ड ने अवार्ड दिया आपको, या फिर GM अवार्ड दिया गया, या PHOD ने अवार्ड दिया है, मान लो जो भी आपके ब्रांच ऑफिसर है, या DRM ने अवार्ड दिए हैं, या फिर और किसी ने दिए हैं, तो मतलब इनको छोड़ के बाकी और किसी ने आपको रिवार्ड दिया तो मिसलेनियस का जो लास्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आप यहाँ कर पाओगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों ऐसे ही आपको सारे अवार्ड और रिवार्ड आपको यहाँ इंट्री कर लेना है। तो मैं फटाफट यहाँ आपके अपने 500 रिवार्ड है वो इंट्री कर देता हूँ, फिर मैं बाद में आपको बताता हूँ आपको कैसे इसमें सबमिट करना है। तो तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों मैंने अपने जो अवार्ड है वो कंप्लीट डाल दिए हैं, 4 अवार्ड मिले थे, 4 मैंने इंट्री कर दिए। एक देखिए ऊपर मैंने रीजन में डाल दिया ऐड अवार्ड, ठीक है, ऐड अवार्ड ओब्लिक आप रिवार्ड भी कर सकते हो। तो यहाँ थोड़ा नीचे चलो दोस्तों, मैंने आपको थोड़ा सा आपको बताना है, ठीक, मैंने थोड़ा गलत बता दिया। तो यहाँ देखिए ऊपर जहाँ अवार्ड नेम है, जहाँ PHOD लिखा था, इस पर देखिए मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए अपने को जो रिवार्ड दिखा रहा है GM अवार्ड दिखा रहा है, फिर PHOD अवार्ड दिखा रहा है, फिर DRM अवार्ड, फिर दिखा रहा है मिसलेनियस अवार्ड। तो मतलब GM अवार्ड तो दोस्तों सबको पता है और DRM अवार्ड का पता है। अब देखिए PHOD का क्या होता है, जैसे मान लो एक हमारे डिवीजन लेवल पर जो ब्रांच अधिकारी होते हैं, ठीक है, ब्रांच अधिकारी हमारे को दिया है तो वो मिसलेनियस में आएगा, सबसे जो लास्ट ऑप्शन है। यदि हमारे जो जोन लेवल पे जो हमारे अधिकारी रहते हैं, जो हमारे मतलब हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित जो अधिकारी होते हैं
वो PHOD अवार्ड में आएंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले थोड़ा गलत बता दिया था भाई, मैंने जो ब्रांच ऑफिसर था डिवीजन लेवल का वो मैंने PHOD अवार्ड में बता दिया था, लेकिन वो आएगा मिसलिनियस में। PHOD में आएगा जो आपके जोन लेवल पे जो आपके विभाग के जो अधिकारी है वो आपको देता है, तो PHOD में आएगा, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। तो मैंने देख सकते हो आप, मैंने सब मैंने चार के चार एंट्री कर दिए हैं, देखिए जिसमें कैश रिवार्ड था कैश रिवार्ड डाल दिया मैंने, ठीक है ना। और मैंने सब फाइल यहाँ से चूज करके यहाँ पे अपलोड कर दिए, ठीक है ना। तो दोस्तों अब मैं करता हूँ सबमिट पे क्लिक। तो देखिए एक ऑप्शन आ गया हमारे पास पॉपअप मैसेज, तो मैं इस पर करता हूँ क्लिक। तो देखिए दोस्तों मेरे पास एक OTP आएगा जिसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन OTP, ठीक है। ये अलग OTP आता है, लॉगिन का अलग आता है, ट्रांजेक्शन आता है। तो ट्रांजेक्शन का OTP मैं यहाँ डाल के सबमिट पे कर देता हूँ क्लिक। अब मैं सबमिट पे कर देता हूँ क्लिक। तो आप देख सकते हो दोस्तों ऊपर देखिए हमारे पास एक मैसेज आ गया, योर अवार्ड चेंज रिक्वेस्ट विद ID इतना बाद सेव सक्सेसफुली। तो हमारा दोस्तों सेव हो चुका है, दिया हमारा चला गया, अब किसके पास चला गया, डीलिंग क्लर्क के पास डिवीजन लेवल पे, ठीक है। तो देखिए हम अब देखना चाहें मान लो हमारी इसकी प्रोसेस कब पूरी होगी कब नहीं होगी, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए लेफ्ट साइड में टॉप में जो एरो का निशान है उस पर आपको क्लिक करना है, और देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा चेंज माई चेंज रिक्वेस्ट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको जितने भी हमने जो भी चेंजमेंट किया है सब यहाँ प्रोसेस आ जाएगी, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने देखिए तीन इसमें कर रखी है, पहली फैमिली में की थी, दूसरी बेसिक इन्फो में की थी, तीसरी क्वालिफिकेशन में की थी, चौथी मैंने अवार्ड रिवार्ड में की है। तो सबसे लास्ट में देखिए मेरा ये आ चुका है, ठीक है। आईडी आ जाती है, प्रोसेस आईडी आ जाएगी, देखिए मैंने अवार्ड में किया है, या देखिए आज का टाइम और डेट आ गया। देखिए एक बार आपको मैंने किया है 1:36 पर, ठीक है, या देखिए डेट। तो आगे देखिए डीलिंग क्लर्क आईडी, मतलब जब आपका डीलिंग क्लर्क उसको देखेगा आगे उसको प्रोसेस करोगे मतलब फॉरवर्ड करेगा, किसके पास फॉरवर्ड करेगा, वो करेगा VA के पास, वेरीफाई अथॉरिटी के पास, ठीक है। तो जब वो प्रोसेस शुरू करेगा तो यहाँ पर देखिए उसकी आईडी भी आ जाएगी और वो डेट भी आ जाएगी, फिर वो वेरीफाई अथॉरिटी के पास जाएगी तो वो उसको चेक करेगा, उसको देखेगा ठीक है, तो वो उसको कर देगा फॉरवर्ड कर देगा असाइन अथॉरिटी के पास AA के पास, तो उसकी यहाँ डेट आ जाएगी। तो यहाँ पे पूरी डेट आ जाएगी, ठीक है ना। और आप देखना चाहो आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, तो यहाँ देखिए व्यू का आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट मतलब क्या क्या आपने अवार्ड है वो यहाँ पे आपने अपलोड किए, ठीक है ना। तो आपके दिखा देगा किस लेवल का आपका अवार्ड था, देखिए अवार्ड डेट कैश अवार्ड था किसने दिया था आपको। तो यहाँ देखिए आप यहाँ पे क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, देखिए ठीक है ना, पूरी आपकी यहाँ डिटेल आ जाएगी। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम या दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जरूर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों आप पहली बार चैनल पर आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी नई नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपको अच्छा नंबर से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।